हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हमें प्रॉपरली हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। दोस्तों, हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं तो इससे क्या होता है, हमें बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों के साथ ये होता है ऑयलिंग करने के बाद उनके जो बाल हैं वो और ज्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको इस वीडियो में जरूर पता चलेगा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हमें किस तरह से ऑयलिंग करनी है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा ऑयलिंग करना इसमें क्या मुश्किल है, ऑयलिंग तो हम कर लेते हैं, जस्ट हमें ऑयल लेना है उसको अप्लाई कर लेना है। बट ये सबसे गलत तरीका है हेयर ऑयलिंग करने का। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑयल लिया डायरेक्ट अपने बालों में अप्लाई किया, दैट्स इट, हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें प्रॉपर हेयर ऑयलिंग किस तरह से करनी है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने ठीक से ऑयलिंग नहीं की है तो पूरी तरह से आपके बालों में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा और आपके जो बाल हैं वो हेल्दी नहीं हो पाएंगे। बेसिकली हेयर ऑयलिंग हम करते क्यों हैं, हेयर ऑयलिंग करना क्यों जरूरी होता है? तो हेयर ऑयलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे बाल हैं उनमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन पहुंच पाए। हमारे बालों का खाना होता है, फूड होता है ऑयल। अगर हम ऑयलिंग नहीं करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बालों की लेंथ नहीं बढ़ती है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। जब बाल हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तभी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो मैं बात कर रही थी, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ऑयलिंग करने के बाद जो उनके बाल हैं वो और ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ऑयलिंग करते हो तो मसाज करते हो, जब आप तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने बालों में अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम हेयर ऑयलिंग करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे किस तरह से ऑयलिंग करनी चाहिए, कौन सा ऑयल हमें लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल मेरे पास है ये ऑयल। जब भी हम कोई भी ऑयलिंग करते हैं, जब भी हम ऑयलिंग करते हैं तो हमें 2 से 3 ऑयल मिक्स कर लेने चाहिए। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑयल हमें अपने बालों में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएं। आजकल जिस तरह से हमारी डाइट है, कुछ भी हम खा लेते हैं और जो हम खाते हैं वो उतना ज़्यादा प्योर भी नहीं होता है, तो पूरी तरह से हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता है, हमारे बाल वीक होना शुरू हो जाते हैं। और आजकल कुछ लोग डाइटिंग पे भी बिलीव करते हैं, तो हमारे जैसे में बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हमें ऑयलिंग, जब हम ऑयलिंग करें तो 2 से 3 ऑयल आप मिक्स कर लिया करें। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल लिया है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। तीनों ही ऑयल बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। अगर आपके पास वाइटामिन ई कैप्सूल है तो आप वाइटामिन ई कैप्सूल ले लीजिए 2 से 3। हेयर सॉफ्ट कैप्सूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पहले अपनी वीडियो अपलोड की थी ऑयल वाली, जिसमें मैंने हेयर सॉफ्ट कैप्सूल का इस्तेमाल किया था। हेयर सॉफ्ट कैप्सूल का इस्तेमाल से क्या होता है, आपके जो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं उसको ये सॉफ्ट बना देता है। तो आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको हेयर सॉफ्ट कैप्सूल इजीली मिल जाएंगे, सॉरी कॉस्मेटिक शॉप से। मेडिकल शॉप से आपको विटामिन ई कैप्सूल मिल जाएंगे और कॉस्मेटिक शॉप से आपको हेयर सॉफ्ट कैप्सूल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑयल मिक्स करके एक ही ऑयल बना लिया है। अब मैं इसको अपने बालों में अप्लाई करूंगी। तो जब हम ऑयल करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने बालों की स्कैल्प पे, ऑयल को अप्लाई करना होता है। उसके बाद हमें अपने बालों की लेंथ में भी ऑयल अप्लाई कर लेना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे बाल हैं ना वो इधर तो सही होते हैं, स्टार्टिंग में तो सही होते हैं, लेकिन बालों की जो एंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं, फ्रिजी होती हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि हमने प्रॉपरली ऑयलिंग नहीं की होती है। तो चलिए मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले हमें अपने बालों की स्कैल्प पे ऑयल को अप्लाई करना है अच्छी तरह से। थोड़े थोड़े बालों को लेकर के हमें ऑयल लगाना है, एक बार में बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं लेना है। सबसे नंबर वन चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, जब भी आप ऑयलिंग करें 2 से 3 ऑयल को मिक्स करके तब आपको अप्लाई करना है। और हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग आपको ज़रूर करनी है। जब भी आप हेयर वॉश करते हो उससे पहले आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, मैं रात को ऑयलिंग कर रही हूँ। रात को ही हमेशा ऑयलिंग करनी चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। दिन में ऑयलिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि दिन में हमें बाहर आना जाना लगा रहता है सभी का, या नहीं भी लगा रहता है फिर भी आपको दिन में 3 से 4 घंटे ऑयल लगा कर बैठना पड़ता है। तो बेहतर है आप रात को ऑयलिंग कर ले, ये ज़्यादा इजी रहता है।
और ऑयलिंग करने के बाद कभी भी हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि बाहर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हम ऑयलिंग करने के बाद बाहर निकल जाते हैं, जितनी भी डस्ट होती है ऑयलिंग करने के बाद वो हमारे बालों में और ज़्यादा चिपक जाती है, और जब कॉम करते हो आप तो बाल आपके बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपको रात को ही ऑयलिंग करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें अप्लाई नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर लोगे या ज़रा सा भी आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, आपको अपना हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ना है, ये सोच लीजिए। इसमें आप बिल्कुल जान ही नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा जान नहीं है, जान तो है लेकिन उतनी ज़्यादा जान नहीं है। तो आपको उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, बस बिल्कुल हल्के हाथों से हमें जस्ट ऑयल अप्लाई करना है। ऑयलिंग कर ली है, सबसे पहले हमें अपने स्कैल्प पे ऑयल लगाना होता है प्रॉपरली, जितना ज्यादा लग जाए उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब बालों में कम रहे और इधर उधर ज्यादा हो जाए, जैसे आप सोने चले जाते हो तो पता चले आपका पिलो कवर पूरा खराब हो जाए। उतना ऑयल आपको लगाना है जितने की आपके बालों को रिक्वायरमेंट है। थोड़े थोड़े बालों का सेक्शन लेंगे और अपने बालों में स्कैल्प पे अप्लाई कर लेंगे ऑयल। उसके बाद हमें बालों की रूट्स में भी ऑयल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो थोड़े थोड़े से बालों को लेके अगेन और इस तरह से ऑयल अप्लाई कर लेंगे। आप किसी और से भी ऑयल लगवा सकते हो, अक्सर जो हमारी मम्मी होती हैं, जो दादियां होती हैं, वो बहुत अच्छे से ऑयल लगा देती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं है तो आप खुद भी ये काम कर सकते हो। बालों की रूट्स को, बालों की एंड्स को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ऑयल अच्छी तरह से लग जाए, साथ ही बालों की जो लेंथ है उस पर भी हमें अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेना चाहिए। तो मैंने पूरे अच्छी तरह से ऑयल अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो स्कैल्प पे भी अच्छे से ऑयल लगा हुआ है, साथ ही बालों की लेंथ में भी अच्छे से ऑयलिंग हुई है। इसी तरह से हमें हमेशा हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने स्कैल्प पे ऑयल अप्लाई करना है, 2 से 3 ऑयल का मिक्सर आपको लेना है और आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अपने बालों की स्कैल्प पे आपको अप्लाई करना है, उसके बाद बालों की लेंथ में आपको अप्लाई करना है। ये सही तरीका है ऑयल अप्लाई करने का। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको ऑयल लेना है जस्ट और अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मैंने ऑयल लिया था वो हल्का सा गुनगुना था, सिर्फ हल्का सा, 2 से 3 सेकंड के लिए गैस पर रखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं, उतना ही ज़रूरी है बस। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपकी, आप जब अपने बालों में अप्लाई करोगे तो स्कैल्प आपकी वीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो फर्स्ट टिप ये थी आपकी कि आप जब भी ऑयलिंग करेंगे आपको 2 से 3 ऑयल्स मिक्स कर लेने हैं। सेकेंड टिप ये है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग ज़रूर करनी है, और आपको और थर्ड टिप ये है आपकी, जब भी आप ऑयलिंग करें, ऑयलिंग करने के बाद आपको मसाज ज़रूर करनी है। तो मसाज आपको किस तरह से करनी है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको मसाज करनी है, जल्दी जल्दी इस तरह से, या फिर प्रेशर अप्लाई करके आपको मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। हल्के हल्के हाथों से अगर आप मसाज करोगे तो मसाज करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो ऑयल हमने अभी अप्लाई किया है ये पूरी तरह से हमारे बालों की जड़ों तक पहुंच पाएगा, हमारे बाल हेल्दी हो जाएंगे। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है ऑयलिंग करने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बालों की लेंथ नहीं बढ़ती है, फ्रिजी ड्राई रहते हैं आपके बाल, तो इस तरह से आप लोग ऑयलिंग करिए, हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग करें। और आप जब भी ऑयलिंग करें सबसे पहले स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे, फिर बालों की लेंथ में अप्लाई करेंगे, 2 से 3 मिनट तक, 5 मिनट तक मसाज करेंगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, उसके बाद जूड़ा बनाते हैं, चोटी बनाते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ आप फॉलो करके देखिए, आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इनफैक्ट आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऑयलिंग ज़रूर किया करें, ऑयलिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।